सीएसके जीत गई एंड पेंटिंग कंप्लीटेड। ये देखकर कितना सुकून मिल रहा है। हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता स्टोरीज। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोग का आज के इस व्लॉग में। सो हाय, नहा लिए सुबह सुबह, नहाकर वो भी रेडी, हम भी नहा लिए हैं। एंड इसका तो स्कूल नहीं है क्योंकि ना इन लोग एग्जाम्स चल रहे हैं, 10 जून तक चलेंगे, उसके बाद गर्मी की छुट्टी होगी। बहुत सारे स्कूल में छुट्टी हो चुकी है बट इन लोग वाले में नहीं हुई है, क्या करें। 10 के बाद फिर कहीं प्लान बनेगा गर्मी छुट्टियों में जाने का, तो फिर खैर उसको देखा जाएगा बाद में। हट हो जाओ यहाँ से। सो कल गुजरात टाइटन्स और सीएसके का मैच था और सीएसके जीत गई भाई साहब। मैच के कुछ क्लिप्स ना बहुत इंटरेस्टिंग थे, मैं जियो सिनेमा पर देख रही थी बट तो उसके क्लिप्स हम ऐड नहीं कर सकते इसमें क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। सो बट तो बहुत मज़ा आ गया मैच देखकर। तो पता नहीं हम कितने टाइम बाद ऐसे जग कर मैच देखे, हमको भी लास्ट टाइम गया नहीं क्योंकि बहुत जितने मैचेस होते इसके 11:30 मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा चलते नहीं थे। कल बारिश की वजह से जो भी हुआ लेट एंड ऑल, बट मज़ा आया देखकर, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। ये देखो कितनी खुशी हो रही है ना ये देख के, सी एस के 1/5 विकेट्स, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था कल का मैच। ये सी एस के जीत गई, खुशी दिख रही है मेरे चेहरे पर। रात में मैच देखे हैं, वर्कशीट कंप्लीट किए हैं और ये ऐसे छोड़ दिए हैं, सब कॉपी बुक सब ऐसे रखा है, सबको समेटना था। एंड दिस इज पेंटिंग कंप्लीटेड, प्यारा बना। यू नो ये साइड से जो पेड़ बना है ना, इसको मैं दूसरे तरीके से बनाना ट्राई कर रही थी बट पता नहीं कैसे ये हमसे ये बन गया, बट फिर भी सुंदर बना है। और ये देखो, पता नहीं मेरा भाई इतना छोटा छोटा पेंसिल क्यों कर दिया है ऐसे सबको, एकदम अभी कल रात में ही बैठ के शार्प कर रहा था सबका। देखो ये दिख रहा होगा एकदम शार्प है पूरा। तो कैसा लग रहा है आप लोग को, प्यारा बना है। एंड ये तो मैंने पोस्टर कलर डॉम्स का यूज़ किया था इसके लिए। सो यहाँ ये देखो ऑर्डर्स, ये रहा ये वाला मैंने करा, ये इसका मेरे को 227 पड़ा। अभी आज सुबह ही करे थे, कल रात में करे थे ना तो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट कर दिया था, फिर सुबह उठ के करें इसको आज, मेरे को लेना था जल्दी में इसको इस वजह से। यहाँ पूजा का प्रसाद रखा है खाने के लिए, यहाँ एक मम्मी मीठा दी हुई है खाने के लिए, और ये सब अभी हम कुछ नहीं खाया और हमको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है अभी। हाउस स्क्रीन लुक्स लाइक, यहाँ फूटा है वो पूरा स्क्रीन ही फूटा हुआ है, चेंज करवाना है इसका भी गार्ड हमको। एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है बट बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि हम मैच ऐसे एकदम पूरी रात जग के देखे क्योंकि ऑब्वियसली हमको उतना जगने वगने की आदत नहीं है, बट देखे काफ़ी मज़ा आया। मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं ना, दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, उनको मतलब एक दो हैं जो बहुत ज़्यादा कि हाँ मैच देखेंगे, तो फिर हम लोग रात में 12 बजे तक बात चैट भी कर रहे थे क्योंकि उस टाइम तक सही से स्टार्ट नहीं हुआ था बारिश की वजह से। बहुत अच्छा रहा कल का मैच यार, याद रहा कि हाँ सी एस के ऐसे जीती है, क्योंकि मे बी ये धोनी का लास्ट था। एंड क्या बोलूँ अभी, खैर एट ऑल मैच बहुत बढ़िया था। एंड अभी हम थोड़ा सा अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं इधर आदमपुर के पास, आती होगी, उसके बाद थोड़ा सा काम है वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। सुबह सुबह नहा धोकर, और गर्मी इतनी है कि पसीने से हालत ख़राब हो जाता है, क्या करें। इस बार भी मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हुए थे जब कोलकाता में मैच था ना, तब की बात है, मतलब अभी आई डोंट नो रिमेम्बर, मेरे को डेट याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सी डेट को था सीएसके का मैच कोलकाता में, तो वो लोग वहाँ गए हुए थे। मतलब मेरा भी बहुत मन था कि वो लोग जा ही रहे तो साथ में मैं भी चलती हूँ, थोड़ा इन्जॉय करके आ जाऊँगा मैच सामने से देखकर, बट अभी परमिशन मिलना था नहीं घर से। बट मे बी कल के इंटरव्यू में माही मतलब बोल रहे थे कि मे बी 24 वो खेल सकते हैं अपने फैंस के लिए, सो मे बी नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। हमको ना खाली सड़क से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब हम ऐसे में बाइक स्कूटी चलाना बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये नो पार्किंग एरिया है ना, अभी इसी जगह पे अगर दोपहर के टाइम में होगा ना, यहाँ गाड़ियाँ लगी रहेंगी, यही होता है। और मेरी दोस्त उधर से आने का कष्ट करेंगी, उस तरफ से वहाँ से आएंगी, और हम यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं। अभी तक आए नहीं हम, बस ऐसे इस रास्ते में इधर उधर कर रहा।
तब तक चलो शिव पार्वती के थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। चलो अभी अगर सही बताए ना तो शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, लाइक बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैंने शुरू कर दी हैं, बट जैसे कुछ कुछ सही होता है फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी क्या क्या कर रही हूँ क्या क्या नहीं। कल का जो लास्ट मोमेंट पे जो चल रहा था बॉल की क्या होगा क्या नहीं, नो हार्ट बीट हमारी रुकी हुई सी थी, सब कुछ जड़ेजा पर क्या होगा क्या नहीं गॉड। एंड जब वो लाइन आई कि ये जडेजा ने बॉल को धकेल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ और पांचवी बार सीएसके जीत चुकी है ट्रॉफी, तब जाके भाई साहब वो जो चेहरे पर स्माइल थी ना गजब। फिर उसके बाद जडेजा का धोनी की तरफ जाना और धोनी का उसको गोद में उठा लेना गॉड व्हाट अ मोमेंट। घर आए और लग गया ना बहुत जोर का भूख, क्योंकि सुबह भी चले गए थे तो कुछ खाए पिए नहीं थे, ऐसे ही बस एक मीठा खा कर गए थे, अभी खा रहे हैं। हाँ खाना खाने के बाद जो सुकून मिलता है, वैसे भी ना इधर एक दो दिन से मेरा खाना पीना सही नहीं हो रहा था, तबीयत खराब रहो। एंड ऐसा हुआ था ना कि लास्ट के दो बॉल थे 10 रन बनाना, तो उस टाइम यू नो हार्ट बीट ऐसी बढ़ी हुई थी ना क्या होगा क्या नहीं, उधर माही भाई की आंखें नम थी पूरी, मतलब भाई साहब सब प्रे कर रहे थे कि जडेजा बस खेल जाए एंड ही डिड दैट। यार बहुत बढ़िया मैच था, तो थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था, एक तो बारिश ने सब पहले ख़राब कर रखा था, ऊपर से बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, फिर जब लाइन आई कि फाइनली हम लोग जीत गए पांचवी बार ट्रॉफी हमारे यहाँ है गॉड। एंड जिस तरीके से ना फिर जडेजा दौड़ कर गए माही भाई के पास, वो मोमेंट था बहुत, मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री में ये बहुत बढ़िया मोमेंट होने वाला है। मेरे माइंड में ना अभी भी कल के मैच के सीन्स चल रहे हैं, मतलब क्या क्या बहुत मज़ा आया देख कर, लेकिन और बहुत खुश भी है, सब लोग खुश है क्योंकि कोई नहीं जान रहा, कोई श्योर नहीं है, इवन माई भाई ने भी ये क्लियर नहीं किया है कि अगले साल वो IPL खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। बट यू नो एज अ CSK फैन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हम लोग जीत गए, वैसे मैच है तो जीत हार लगी रहती है बट अपनी टीम जीत गई है बहुत सुकून मिला, तो ऐसे जगह में तो रह गया फिर सुबह। बट मैच खत्म होने के बाद ना हम थोड़ी देर सो गए थे, मेरी आँख लग गई थी, मतलब अब तो फाइनली जीत गया अब सुकून से सोएंगे, थोड़ी देर सोए उसके बाद फिर तो उठना था, इन लोगों का स्कूल था, गुरु का तो नहीं JR का भी एग्जाम चल रहा है, इसका एक दो दिन बीच में गैप है तो वो सब हुआ, फिर यही सब चल रहा है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ये सोच रहे एक ये दिए हैं ड्राइंग के लिए बना रहे हैं, साइड से पेड़ रहेगा एंड साइड इस साइड जहाँ खाली है ना यहाँ पे इस कॉर्नर में एक छोटा सा क्यूट दूँगी, लाइक बी हैप्पी सुंदर लगेगा। तो चलो पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी मैं इसको आधे घंटे में कंप्लीट कर दूँगी, अगर आधे घंटे में कंटिन्यूसली बैठी रही तो फिर मिलते हैं आप लोग से अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये देखो ना मेरा कलर सूख रहा है, ये जो दाग हुआ है ना ये इसी यही कलर ना मिक्स करके रखे थे और ऐसे गिर गया था, अब ये सूखा सूखा सा हो गया, तब तक के लिए बाय बाय। इसको फिर कंप्लीट करके अगले व्लॉग में दिखाते हैं, बाय एंड टेक केयर।